नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। शाहरुख खान की फिल्म जवान का प्रीव्यू सोमवार को रिलीज कर दिया गया है और ये किंग खान की पठान के बाद साल की दूसरी फिल्म होने वाली है। पठान के सुपरहिट होने के बाद फैंस भी बेसब्री से जवान का इंतजार कर रहे हैं और लोग फिल्म के टीजर और ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेकर्स ने फैंस को प्रीव्यू का एक तोहफा दे दिया है। जी हाँ, शाहरुख खान की फिल्म जवान का प्रीव्यू एक्शन पैक्ड है। प्रीव्यू की शुरुआत शाहरुख खान की आवाज से होती है, जिसमें वो कहते हैं, मैं कौन हूँ कौन नहीं पता नहीं, ना तो कोई इरादा हूँ, पुण्य हूँ या पाप हूँ ये खुद से पूछता, क्योंकि मैं भी आप हूँ, रेडी नाम तो सुना होगा। जी हाँ, प्रीव्यू में विजय सेतुपति, नयनतारा और दीपिका पादुकोण भी एक्शन सीक्वेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि दीपिका का फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस होने वाला है। इसमें शाहरुख खान का अलग अलग लुक भी देखने को मिल रहा है। वहीं शाहरुख खान ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक शॉर्ट वीडियो जो था वो शेयर किया था कि फिल्म का प्रीव्यू 10 जुलाई को रिलीज होगा। वहीं शाहरुख खान ने अपने पोस्ट में लिखा था, मैं पुण्य हूँ या पाप हूँ ? मैं भी आप हूँ। जवान इस साल 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं शाहरुख खान के अलावा फिल्म के डायरेक्टर एटली ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रीव्यू की अनाउंसमेंट की और तारीख यानी कि जवान प्रीव्यू का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जवान का ट्रेलर सिनेमाघरों में टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द रैकिंग रेस साथ जो है दिखाया जाएगा। और आपको बता दें कि इस साल मई में फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के रिलीज डेट की घोषणा की थी। इस अपडेट की अनाउंसमेंट की एक मोशन पिक्चर से की गई थी और ये फिल्म हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज की जाएगी और इसे गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है। जी हाँ, गौरतलब है कि ये फिल्म पहले इसी साल 2 जून को रिलीज होने वाली थी, हालांकि बाद में इसकी रिलीज डेट जो है वो आगे बढ़ा दी गई है और अब ये जो मूवी है 7 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में आने वाली है। तो आपको जवान का प्रीव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जवान की यानी कि जवान मूवी जो है आपको उसका कितना बेसब्री से इंतजार है कमेंट सेक्शन में वो भी लिखिएगा। और इस तरह के एंटरटेनमेंट जगत की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।